एपिसोड 236 बर्थ। निया बोलती है, ओ मुझे ज्यादा मोर पशु मानव आसपास क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं। निया पेड़ की तरफ देखने लगती है। वो देखती है कि शाखाओं पर सिर्फ कुछ छोटे मोर ही चोंच मार रहे थे, बाकी उनके पास कोई बड़ा मोर दिखाई नहीं दे रहा था। अबीर थोड़ा रुकता है और फिर बोलता है, बहुत जल्द ही बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और यहाँ पर बारिश अंदर के एरिया की तरह एक जैसी नहीं होती है। इस मौसम में यहाँ बहुत बारिश होती है। निया अपना सर हिला देती है। दोपहर में उसे मोर दिखाई दे रहे थे और उसके मन से ये अजीब फीलिंग चली जाती है। भारी बारिश कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। आसमान कुछ समय पहले ही साफ हुआ है और अब अचानक काले बादलों से भर गया था। फिर बहुत जोर से बिजली कड़कती है और आंधी शुरू हो जाती है। बारिश से भीगकर जिराज घास पर चट्टान की तरह पड़ा था। वो थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि वो आसपास वाले मोरों का जब इधर उधर ध्यान नहीं होगा तो वो अंदर निकल जाएगा। वैसे उसने साफ साफ अपने को ज्यादा ताकतवर समझ लिया था। वो कुछ दिनों तक जब लगातार सड़कों पर घूमता है और उसके पास खाना भी कम था तो वो बारिश में भीग कर बीमार हो जाता है। अब तो जिराज के लिए अंदर जाना और भी मुश्किल हो जाता है। उस भारी बारिश के बाद तो कभी हल्की और कभी भारी बारिश आती जाती रहती है। अब जिराज की बॉडी अक्सर गीली ही रहती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत में सुधार नहीं आता है। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वो अपने लिए गुफा ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है ताकि वो वहां रहकर ठीक हो सके। वहीं मोर भी अपने गार्ड्स को हटा लेते हैं। उमस और गीलेपन के बीच समय बड़ी तेजी से निकल जाता है। पलक झपकते ही समय आ जाता है कि अब निया बच्चों को जन्म देने वाली थी। अबीर ने इस दिन के लिए बहुत तैयारी कर रखी थी। आखिरकार जब वो दिन आता है तो उसका दिमाग खाली हो जाता है। निया बोलती है, तुम बाहर जाओ, मैं अकेले ही ठीक हूँ। वो अपने पेट को पकड़े हुए थी और जोर से हांफ रही थी, लेकिन वो अबीर से शांत लग रही थी। आखिरकार उसने पहले भी बच्चों को जन्म दिया था और उसे ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा था। उसमें से पानी निकलता है और पूरे लकड़ी के फर्श पर पानी फैल जाता है। उसने जब अंडों को जन्म दिया था तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पहले तो निया उसे देखकर चिंतित हो जाती है, लेकिन फिर वो समझ जाती है कि ये क्या हुआ था। अबीर उसको छोड़कर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था। वो निया को उसकी कमर से पकड़ता है और उसके पैरों पर बैठा देता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें देखूंगा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें पकड़ कर रखूंगा, इस तरह तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। निया के पेट में अजीब हो रहा था और अब वो उससे बहस नहीं कर सकती थी। जब अबीर उसकी बात नहीं मानता है तो निया उसकी बात मान लेती है। ये तो अच्छा था कि उसने ड्रेस पहन रखी थी। फिर वो अपनी शर्म को भूलकर उसके सामने ही अपनी अंडरवेयर निकाल देती है। फिर वो अपनी ड्रेस को ठीक करती है। उसके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वो जन्म देने के लिए तैयार थी। अबीर अपना चेहरा नीचे करके उसे निया के सर से टच कर देता है और उसके हाथ निया के पेट पर थे। अंदर के मूवमेंट्स को महसूस करके अबीर चिंतित हो जाता है और उसका चेहरा भी बिगड़ जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे ही दर्द हो रहा है। निया बोलती है, मुझे दर्द हो रहा है। उसका चेहरा पूरे पसीने में हो गया था। अपने छोटे छोटे हाथों से अबीर को पकड़ रखा था। जो बच्चे निया के पेट में थे वो बहुत ही हंगामा मचा रहे थे और अंदर ही इधर उधर हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो प्रतियोगिता कर रहे हैं कि कौन पहले बाहर निकलेगा। निया अपने सर को अबीर के कंधों पर रख देती है और अपनी आंखें बंद करके पूरी ताकत लगा देती है। जब निया अपनी ताकत के एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है तो उसकी देखने और सुनने की शक्ति अस्पष्ट हो जाती है। निया को महसूस हो रहा था कि उसके नीचे की बॉडी से कुछ चीज बाहर आ रही थी। उसके नीचे वाले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा था और उसके पेट को राहत मिल गई थी। निया पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाती है। उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उसके पेट में राहत हो गई थी। अबीर खुशी से चिल्लाता है, तुमने जन्म दे दिया है। मयूर बाहर खड़ा था, उसकी आंखों में भी खुशी दौड़ने लगती है। वो पेड़ के तने को नोचने लगता है। जब निया बच्चों को जन्म दे रही थी तो मयूर को उसके पास ही रहना था। वो बहुत ही पवित्र पल था और ऐसे में एक आदमी अपनी पसंदीदा लड़की के पास कैसे नहीं रहता है।
वैसे निया की नजरों में उसका औहदा और उसकी ताकत दोनों ही अबीर से कम था, तो अगर वो चाहता तो भी अंदर नहीं जा सकता था। निया मुश्किल से ऊपर देख पा रही थी, उसकी आवाज भी काफी कमजोर और चिंतित दिखाई दे रही थी। जल्दी से मुझे उन्हें देखने दो। अबीर के अंग लंबे थे तो वो अपना हाथ लंबा करता है और उस पर से कुछ छोटी चीज उठा लेता है। वो थोड़ी नमी वाली मीट बॉल थी, उसके ऊपर पीले रंग की परत चढ़ी हुई थी। अबीर को वो चीज गंदी नहीं लगती है और वो अपने दूसरे हाथ से वो परत छीलने लगता है। ये चीज देखकर निया अबीर की बाहों में ही लेट जाती है। अभी वो उस कंडीशन में नहीं थी कि वो उस परिस्थिति को संभाल सके। अभी उसका सारा ध्यान उस नन्ही सी जान पर था। वो कब बहुत सॉफ्ट थे और निया को उसकी लाल स्किन दिखाई दे रही थी। जब वो अबीर की हथेली पर सोया हुआ था तो पता चलता है कि वो अबीर के हाथ से थोड़ा सा ही बड़ा है। वो उस बन की तरह लग रहा था जो अभी स्टीमर से बाहर निकला हो। उस पल में निया सांस लेना तक भूल जाती और उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। क्या ये वही नाजुक चीज है जिसने निया के पेट को इतना कड़क बना दिया था कि जब वो हिलता था तो निया को उठने और बैठने में भी परेशानी होती थी। जब उसके बाहर की परत निकल जाती है तो वो अपना मुंह खुलकर बिल्ली की तरह आवाज निकालता है। फिर वो अपनी चमकीली पीली आंखें खोलता है। उसकी पलकें जादुई वसंत की तरह लग रही थी, जिसका रंग ओपल की तरह गहरा था और वो नीचे हो गई थी। जब निया की आंखें उस कब से मिलती हैं, तो उसे लगता है कि वो उसकी आत्मा को ही ले गया हो। वो जिराज जैसा ही लग रहा था। निया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो आधी खुशी के आंसू थे और आधे दुख के, क्योंकि वो सोच रही थी कि अभी तक जिराज वहां नहीं पहुंच पाया है और ना ही नागाल आया है। कहीं वो किसी परेशानी में तो नहीं फंस गए, है ना? अपनी प्रेगनेंसी की वजह से निया ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। बस वो कभी कभी पेड़ के नीचे घूमने चली जाती थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बाहर निकलने को बहुत ज्यादा समय हो गया था। निया को अचानक बहुत भयानक भ्रम होता है। उसे वो मोरों का गांव एक शानो शौकत वाला पिंजरा लग रहा था। अबीर अपनी उंगली से कब को पोक करता है, फिर वो अपने सॉफ्ट अंगों से थोड़ा सा चलता है और फिर जब खड़ा होता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। निया तुरंत होश में आ जाती है। अब उसमें ज्यादा ताकत लगाने की हिम्मत नहीं बची थी। निया को डर था कि वो कब उसकी सांस से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी। निया गहरी सांस छोड़ते हुए बोलती है, वो बहुत छोटा है। वो अपना हाथ ऊपर करके उसे छूना चाहती थी, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। अबीर बोलता है, तुम्हें फिर दर्द हो रहा है? तुम बच्चों को मत देखो और जन्म दो। अबीर उस कप को उठाकर साइड में एनिमल स्किन पर रख देता है और फिर निया को टाइट पकड़ लेता है। निया अपने नीचे वाले होंठ को काटती है। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था और उस पर दर्द भी दिखाई दे रहा था। दूसरा वाला जल्दी आ गया था, उसमें एक मिनट से भी कम समय लगा था। फिर निया थोड़ा आराम करती है और तीसरे को जन्म देने के लिए एनर्जी इकट्ठा करती है। अभी उसके पेट में कोई दर्द नहीं था। निया थककर अबीर की गोद में सो जाती है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और निया का पूरा शरीर पसीने में हो गया था। उसके बालों की जड़ें भी आधी भीग चुकी थी। अबीर निया को गले लगाता है और फिर पूछता है, तुम्हारा हो गया है? निया पहले हांफती है और फिर मुश्किल से बोलती है, ऐसा लग तो रहा है। अबीर निया को उठाकर जमीन पर बिछी एनिमल स्किन पर लेटा देता है। निया बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी कब्ज पर ही था। वो उनकी तरफ देखने के लिए पलटती है। वो बच्चे लगातार रो रहे थे। अबीर उनकी परतें निकाल देता है। उनके शरीर गीले थे। वो जब खड़े होते हैं तो लड़खड़ाने लगते हैं। वो अपनी मोटी और छोटी गर्दन को घुमाते हैं, जो भी नाक के बराबर थी। वो भी निया की तरफ देखते हैं और लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ आने लगते हैं। निया मुस्कुराती है और अपने कमजोर रबर जैसे हाथ को हिलाती है। फिर वो आराम से बोलती है, तुम अच्छे हो ना? चलो मम्मा के पास आओ। घर में से उन बच्चों के रोने की आवाज लगातार आ रही थी। मयूर पेट के बल शाखा पर लेटा हुआ था और वो घर की तरफ देख रहा था। उसके दिल में एक बेमिसाल सॉफ्टनेस थी। ये अच्छा हुआ उसने आखिरकार बच्चों को जन्म दे ही दिया। अब तो भविष्य में उसे मनाना और भी आसान हो जाएगा।
निया ने जिस एनिमल स्किन से मुंह साफ किया था, अबीर वही लेकर बच्चों को बचाता हुआ बेड तक आता है। उन कब्स की बॉडी छोटी और बहुत नरम थी, जिसकी वजह से निया को बिल्कुल भी खून नहीं निकला था। उसकी बॉडी सिर्फ अमीनियोटिक पानी से ही गीली हुई थी। अबीर उसके पास आकर बैठ जाता है और निया की बॉडी साफ करने लगता है। निया अपनी भारी बॉडी को पलटती है। वो बोलती है, क्या तुम मेरे लिए पानी गर्म कर दोगे? मुझे नहाना है। अबीर ठीक है बोलता है। फिर वो एनिमल स्किन को वहीं रखकर कब्स को उठा लेता है और लंबे कदमों से बाहर निकल जाता है। वो दिख रहा था कि वो अपने भारी कदमों की वजह से कितना उत्तेजित था। निया पहले उसकी तरफ देखती है और नजरें घुमाकर कब्स को देखने लगती है। वो बोलती है, गुड बेबीज। निया उनमें से एक कब के सर पर हाथ लगाती है। वो अभी भी गीला था और थोड़ा गंदा भी था। फिर निया धीरे से उस एनिमल स्किन को उठाती है और फिर आराम से अपने बच्चों को साफ करने लगती है। वो कब्स बहुत ज्यादा नाजुक थे और जब निया उन्हें साफ कर रही थी तो वो अपने मुंह खोलकर रो रहे थे। उनके मुंह छोटे और चौड़े थे और उनमें छोटे गुलाबी मसूड़े थे। वो लोग थोड़े हिप्पोपोटामस की तरह लग रहे थे। उन्हें देखकर निया थोड़ी चिंतित हो जाती है। ये मेरे इंसान वाले जीन्स का तो इफेक्ट नहीं है, है ना? इंसान के चेहरे तेंदुए के चेहरे से फ्लैटर होते हैं। उसे उम्मीद थी कि बच्चे बड़े होकर गंदे नहीं दिखेंगे। वो बच्चे निया की तरह नहीं दबते हैं। वो किसी चीज के बारे में सोचती है और अचानक डर जाती है। क्या बच्चे भूखे होंगे? अबीर एक बच्चे को उठाता है और उसकी तरफ आंखें झपकाता है और उसे देखने लगता है। वो छोटे कब अपनी माँ को देखकर और भी जोर से रोने लगते हैं। निया गहरी सांस लेती है और फिर अपने कपड़े उतारकर उसे ले लेती है। निया बोलती है, चलो खा लो। वो छोटा कब अपनी माँ के चेस्ट को सूंघता है और रोना जारी रखता है। उसे शायद अभी भूख नहीं लगी होगी। निया उसे दूर कर देती है। उसे पता नहीं था कि उसे राहत मिली है या वो निराश है। वो तीनों कब्स को गले लगाती है। वो तीनों कब्ज एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और अच्छी तरह से देखकर सो जाते हैं। निया उन्हें देख रही थी। उसे भी थोड़ी नींद आने लगती है। वो उबासी लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब तक अबीर गर्म पानी लेकर आता है तब तक वो सो चुकी थी। वो तीनों कब्ज भी सो गए थे। उनके छोटे पेट लहर की तरह ऊपर नीचे हो रहे थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुराता है और धीरे चलता है। वो एनिमल स्किन को गीली कर देता है और निया के शरीर को धीरे धीरे साफ करने लगता है, जैसे निया कब्स को करती थी। वो सोचता है कि अच्छा हुआ जो उसने जिराज को यहाँ नहीं आने दिया, नहीं तो उसे निया का इस तरह ध्यान रखने का मौका ही नहीं मिलता। वो संतुष्ट था कि अब उसके साथ इतनी प्यारी यादें जुड़ गई थी। वैसे अब वो चीजें ज्यादा खींचना नहीं चाहता था। जिराज एक शांत प्राणी नहीं था। जब वो परेशान होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अभी निया और बच्चों को सुलाकर फिर बाहर खड़े मयूर को इशारा करता है। दोनों साथ में उड़कर पेड़ की शाखा पर बैठ जाते हैं। मयूर खुश होकर पूछता है, निया के बच्चे कैसे हैं? मुझे रोने की आवाज आ रही थी। वो तीन हैं, है ना? क्या वो तेंदुए हैं या चीते? अबीर उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। वो चीजें आसान रखता है। अब बाहर ज्यादा गार्ड रखने की जरूरत नहीं है। उस तेंदुए को अंदर आने दो। एपिसोड 237 सीन। जब अबीर ये बोलता है तो वो अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। उसके सर पर हरी नसें साफ दिखाई दे रही थी। फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और बोलता है, कल तक इंतजार करो, फिर गार्ड्स को बुला लेना। इसे एक दिन और लालची रहने दो, सिर्फ एक और दिन। उसने कोई चीज छीन ली थी जो कि जिराज की थी और वो उसे भविष्य में जरूर ले लेगा। मयूर बोलता है, क्या? मयूर घबराकर अबीर की तरफ देखने लगता है। मयूर वो नहीं करना चाहता था। क्या अभी चीजें ठीक नहीं थी? अबीर उसे गुस्से से देखता है तो मयूर तुरंत बोलता है, तुमने जो भी कहा है वो मैं अभी करवा देता हूँ। कब्ज निया के ऊपर चढ़कर उसे जगा देते हैं। निया अपनी आंखें खोलती है तो उसे कुछ अजीब फील होता है। वो अपने ऊपर ढकी हुई एनिमल स्किन हटाती है तो उसे पता चलता है कि वो तो नेकेड है। वो कब्ज उसके पेट पर चढ़कर रो रहे थे। वो जब पैदा हुए थे तब ये अभी थोड़े ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। अबीर उनकी आवाज सुनता है और हॉट सूप लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो बोलता है, तुम उठ गई, मैंने तुम्हारे लिए हॉट सूप बनाया है,
चलो थोड़ा पी लो। जब टॉल अबीर घर में आता है तो जो बाहर से रोशनी आ रही थी वो भी कम हो जाती है। निया तुरंत ही खुद को एनिमल स्किन से ढक लेती है। उसे शर्म आ रही थी। फिर वो गुस्सा करके बोलती है, तुमने मेरे कपड़े क्यों निकाले? वो सुनकर अबीर के सुंदर चेहरे पर शर्म आ जाती है। उसकी नजर इधर उधर हो रही थी। फिर वो बोलता है, पहले मैंने तुम्हारे शरीर को साफ किया था, तुम्हारे पूरे कपड़े पसीने में भीग गए थे, इसीलिए मैं उन्हें धोने के लिए ले गया था। जब मैंने देखा कि तुम गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। निया अपना सर नीचे कर लेती है और ब्लैंकेट के अंदर देखने लगती है। इसका मतलब है कि अबीर ने उसकी बॉडी देख ली थी। निया गुस्से से बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें मुझे उठा देना चाहिए था। लेकिन उसकी लाचारी की वजह से उसकी आवाज कमजोर हो गई थी। उसकी वजह से वो और नाजुक और दुखी दिखाई दे रही थी। अबीर के दिल में ऐसे दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसे सुई से छेद दिया हो। फिर भी वो पीछे नहीं होता है और हट करके बोलता है, तुम्हारे लिए मैं जिराज की तरह ही हूँ। मैं तुम्हें नागाल से बचाकर पशु नगर लेकर आया था। मुझे तुम्हारा साथी बनने का पूरा हक है। अबीर जानता था कि जिस तरीके से उसने निया को बचाया है वो बहुत एक्सट्रीम था, और उसने कभी निया को अपना साथी बनाने के बारे में नहीं सोचा था। उसने निया के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे कि एक आम पशु मानव के साथ होता है। फिर जब वो आबी घोड़ा अपने से दूर करता है तब उसे पता चलता है कि निया ने नागाल को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसने पूरी तरह से उसके भ्रम को तोड़ दिया था। उसने नागाल के पास से निया को छीन कर उसका बहुत ही बुरी तरह से अपमान किया था। अब नागाल उसे निया का साथी कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। कुछ लोगों ने तो ये साबित भी कर दिया था कि नागाल उसे मारना चाहता था। अबीर तो नागाल का मैच नहीं था, इसीलिए अब उसे हमेशा ही नागाल से छुप कर रहना पड़ेगा। निया उसकी तरफ अविश्वास करते हुए बोलती है, तुम पुरानी बातें फिर सामने लाना चाहते हो? ये सुनकर अबीर चिंतित हो जाता है और निया के पास बैठकर उसे समझाने लगता है, नहीं, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। मुझे खुद से दूर मत करो। जब निया देखती है कि वो परेशान हो रहा है तो निया का दिल नर्म हो जाता है। फिर वो ब्लैंकेट को जोर से पकड़कर बोलती है, इस बार मैं इस बात को भूल जाऊंगी, लेकिन तुम अगली बार ऐसी कोई बात मत बोलना। अबीर को ऐसा लगता है जैसे उसके दिल का बहुत भारी वजन हल्का हो गया था। निया बिना उसके तरफ देखे बोलती है, मेरे कपड़े लेकर आओ। उसे इस बात का अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसका शरीर अबीर ने ऐसे ही देख लिया, और वो भी जब कि उसने बच्चे को जन्म दिया था। उस समय उसका शरीर बुरी परिस्थिति में था। निया को अभी सच में ऐसा लग रहा था कि उसे गड्ढा खोदकर खुद को जमीन में दफना लेना चाहिए। निया को एकदम झटका लगता है और वो सोचती है कि इन कब्स को कुछ हो गया है। वो तुरंत ही अपना हाथ हिलाकर उन्हें छूती है और गलती से उसका हाथ एक के मुंह के पास चला जाता है। वो कब उसकी उंगली को चूसने लगता है। वो रोना बंद कर देता है और उसकी उंगली चूसता रहता है। निया की बॉडी कड़क हो जाती है। इस बार बच्चों को भूख लग रही थी। अबीर निया के कपड़े लेकर आता और पूछता है, तुम्हारे अंदर शक्ति है? मैं तुम्हें कपड़े पहना दूं या फिर तुम खुद से ही पहन लोगी? निया अपने होठों को मोड़ती है और फिर बोलती है, उसे अभी छोड़ो, पहले ये देखो बच्चे भूखे हैं। अबीर को वो बात सुनकर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी नॉर्मल एक्सप्रेशन ही थे। वो बोलता है, तो जल्दी से उन्हें खाना खिला दो, मैं तुम्हें खिला दूंगा। इतना बोलकर अबीर साइड में पड़ी सूप की बोल उठा लेता है। निया जल्दी से अपना सर हिला देती है और ब्लैंकेट को खींच लेती है। निया बोलती है, इधर मत आओ और मेरी तरफ मत देखो। अबीर वो सूप को साइड में रख देता है और निया की बात सुनकर अपना चेहरा घुमा लेता है। फिर वो बोलता है, सिर्फ बच्चों पर ही ध्यान मत देना, वो सूप भी पी लेना। निया राहत की सांस लेती है। फिर वो पलट जाती है और दरवाजे की तरफ अपनी पीठ करके बैठ जाती है। सभी बच्चे अंदर आ चुके थे। वो बच्चे दहाड़ रहे थे और फिर निया की बॉडी से खुद को रगड़ने लगते हैं। निया पहले दो को फीड करती है और तीसरे को थपथपाती है। वो सभी बच्चे अब सूख चुके थे और निया को अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके बाल गंदे हैं या नहीं, वो स्मूथ थे। वो तीसरा कप दुखी होकर रोने लगता है। उसकी आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन सब में वही कमजोर है। ऐसा नहीं है कि वो गलती से पीछे रह गया है, वो बहुत कमजोर था और वो इतना ताकत वाला भी नहीं था कि अपना वजूद भी महसूस करवा पाता।
निया धीरे से बोलती है, बेबी रो मत, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। वो जब बोल रही थी तो उसकी नजर उन दोनों कब्स पर भी थी। निया को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, क्या वो लोग कुछ पी भी पा रहे थे या नहीं। जब वो ये सोच रही थी तभी एक कब उसकी बॉडी पर मारता है जिसकी वजह से निया को दर्द होता है। निया उसे सहने का मन बना लेती है। उनमें से एक कब अपना मुंह बाहर कर लेता है और जो बच गया था उससे भी ज्यादा जोर से रोने लगता है। उसके बाद दूसरा भी बाहर निकल कर रोने लगता है। अबीर उनकी आवाज सुनकर अपना मुंह पलटा लेता है। क्या बात है? निया तुरंत ही बोलती है, कोई बात नहीं है, तुम अपना मुंह उधर ही रखो। अबीर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप दरवाजे पर बैठा रहता है। जब निया उन कब्स को देखती है और फिर अपने चेस्ट को देखती है तो चकरा जाती है। कई बार जब वो उठती थी तो उसके अंदर से दूध निकलता था, लेकिन जब उसे जरूरत थी तब वो क्यों नहीं आ रहा था। निया अपने तीसरे बच्चे को भी पीने का मौका देती है, लेकिन तब भी वहाँ कोई दूध नहीं था। जब वो बच्चों के रोने की आवाज सुनती है तो उसका भी दिल रोने लगता है और फिर वो उनको अपने हाथों से चुप कराने की कोशिश करती है। निया को अपने नाखून काटे हुए 2 महीने ही हुए थे, अब वो बहुत ही बड़े हो गए थे। निया दूध निकालने में तो कामयाब नहीं होती है, लेकिन वो अपनी स्किन पर खरोच कर लेती है जिसकी वजह से उसको दर्द होने लगता है। वो ये कैसे कर सकती है? अब निया के पास कोई विकल्प नहीं था। वो अपनी गर्दन आगे कर लेती है और उनकी मदद करती है। अबीर की फिर आवाज आती है, निया ये बच्चे इतनी जोर से क्यों रो रहे हैं? क्या बात है, इनके लिए पर्याप्त दूध नहीं है क्या? ऐसा नहीं है कि वो कम है, लेकिन वहाँ कुछ है ही नहीं। निया गंदा मुंह बनाकर बोलती है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या परेशानी है, लेकिन इन लोगों को दूध नहीं मिल रहा है। अबीर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो जल्दी से उठकर उसकी तरफ आता है। फिर अबीर बोलता है, वो शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने बहुत कम खाया है, चलो जल्दी से सूप पी लो। अबीर खुद को दोष देता है, उसे लगता है कि उसने ठीक से निया का ख्याल नहीं रखा है, इसीलिए अब उसके पास बच्चों को पिलाने के लिए दूध ही नहीं है। निया को लगता है कि अबीर सही बोल रहा है। वो बोल उठाती है और सारा सूप एक ही घूंट में पी जाती है। इस सूप का तापमान बिल्कुल सही था और उसे उससे बहुत आराम मिलता है। सूप पीने के बाद अब निया को लगता है कि उसके अंदर बहुत एनर्जी आ गई है, शायद अब दूध भी आने लगे। अब निया उम्मीद करती है और उनमें से जो तेज लग रहा था उस कप को उठाती है और ट्राई करती है। आखिर में वहां कुछ नहीं था। आखिर अगर वो कभी मॉडर्न दुनिया में होती तो वो इस परिस्थिति के बारे में डॉक्टर से बात कर सकती थी या फिर इसके बारे में ऑनलाइन भी चेक कर सकती थी। यहाँ पर तो अब कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। वैसे अभी वो मोर के गांव में थी, अगर वहां पर कोई बूढ़ी औरत भी होगी तो उसे भी नहीं समझ में आएगा कि इसका क्या करना चाहिए। निया रोने के कगार पर थी। उसके बच्चे जो जिराज के साथ हुए थे वो कहीं भूख से तो नहीं मर जाएंगे ना? निया बोलती है, अबीर तुम जाकर यहाँ की लड़कियों से क्यों नहीं पूछते हो? अगर किसी को इसके बारे में पता होगा तो अच्छी बात होगी ना? ये बोलते समय निया की आंखों में उम्मीद दिखाई दे रही थी। अबीर उसकी पीठ थपथपाता है। निया के लिए उसका दिल दर्द कर रहा था। फिर वो ऐसे बोलता है जैसे कोई प्रतिज्ञा कर रहा हो, मैं तुम्हारे बच्चों को भूख से नहीं मरने दूंगा, तुम घर पर ही रहना, मैं बहुत जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अबीर की बातें सुनकर निया को बहुत आराम मिलता है। वो बच्चे भूख की वजह से बहुत रो रहे थे। वो उन्हें गोद में लेकर झुलाती और कविता गुनगुनाती है। अबीर जल्द ही वापस आ जाता है। जैसा कि उसको पता था, यहाँ किसी को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में नहीं पता था। कमरे का माहौल गंदा हो गया था। अबीर पेड़ के नीचे जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके हाथों में एक मिट्टी की बॉल थी। उसने उसे पत्तों से ढक रखा था। फिर वो उसे खोलता है। उसमें से अच्छी मीट की खुशबू आने लगती है। अबीर बोलता है, मैं पहले छुप छुपा कर तुम्हें ये बनाते हुए देखता था और आज मैंने भी इसे बनाने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बनाने में सफल हुआ हूँ, तुम इसे खाकर देखो। फिर वो बॉल निया को दे देता है। निया कपड़े पहन लेती है। वो अपना सर खुजाते हुए थोड़ी परेशान लग रही थी। फिर वो बोलती है, मुझे अभी भूख कैसे हो सकती है? अबीर बोलता है, भले ही अच्छे के लिए हो लेकिन फिर भी तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अबीर निया के पास बैठ जाता है और मीट तोड़कर निया को देता है, अच्छे से खाओ। निया उसकी तरफ देखती है और फिर खाने के लिए अपना मुंह खोलती है। वो उसे ऐसे चबाती है जैसे वैक्स चबा रही हो।
फिर जब निया देखती है कि वो इस तरह उसे खिलाया ही जा रहा है, तो फिर वो एक कब को अपनी गोद में बैठा लेती है और फिर मीट उसके हाथ से छुड़ा लेती है। वो बोलती है, ये मैं कर लूंगी। अबीर उसकी हिम्मत बढ़ाता है, तुम थोड़ा और खा लो, शायद थोड़ी देर में दूध आना शुरू हो जाए। निया उसको जवाब देती है, परिस्थिति तो बहुत खराब थी और निया का इस बात को समझने का कोई मूड नहीं था कि ये विषय शर्म का था या नहीं। कब्ज रो रो कर थक जाते हैं और फिर से सो जाते हैं। निया को डर था कि कहीं ये भूख से न मर जाए, इसीलिए इस बार उसकी सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हर थोड़ी देर में वो अपने ब्रेस्ट को दबाकर देखती है। उसे ये बात अजीब लग रही थी कि उसके ब्रेस्ट इतने फूल चुके थे, फिर भी उनमें से दूध ही नहीं आ रहा था। हो सकता है क्या उसके छेद ठीक हैं? ये सोचकर वो फिर बहाने से अबीर को बाहर भेजकर अपने चेस्ट को देखती है। जैसा उसने सोचा था, उसकी स्किन स्मूथ थी, उसमें कोई छेद दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर आसानी से दूध बाहर कैसे आ सकता है? निया के सामने एक सच्चाई आ जाती है, उसको ठीक करने के लिए किसी को जोर से शक करना जरूरी था। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी ये साबित करने के लिए, दूध पीकर दिखाना पड़ता है। इस बात से तो यही समझ में आता है कि दूध निकालने के लिए तो ज्यादा फोर्स ही चाहिए। फिर निया के कप को हिलाकर उसे उठाती है, चलो बेबी उठो, एक बार और कोशिश करो। उसकी आंखें नहीं खुलती है, लेकिन जब कोई चीज उसके मुंह में जाती है तो उसे काटने लगता है। उसे बेचैनी हो रही थी, लेकिन निया के दिल में बहुत खुशी हो रही थी। अचानक अबीर वापस आ जाता है, उसके हाथ में वही पर्पल बॉल्स थी जिसे निया खाना चाहती थी। वो दरवाजे पर खड़ा था और उसकी नजरें अंदर जाती हैं। फिर वो अपनी सांसें रोक लेता है। फिर बहुत देर हो जाती है और कब्ज कुछ नहीं पी पाते हैं, तो वो फिर से जोर से रोने लगते हैं। उसके छोटे दांत और गुलाबी जुबान बहुत ही दुखी लग रहे थे, उसकी आंखें भी गीली थी, जिससे लग रहा था कि वो रो रहा था। निया को बहुत बुरा लगता है, जैसे उसे किसी ने मार दिया हो। निया अपने कपड़े पहनने पर ध्यान नहीं देती है और कब्ज को झुलाने लगती है। वो बोलती है, रो मत बेबी, रो मत, थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। एपिसोड 238, सीकिंग मेडिकल हेल्प। उस कब की आवाज सुनकर बाकी दोनों भी उठ जाते हैं। वो अपनी आंखें खोलते हैं, इधर उधर देखते हैं और फिर रोने लगते हैं। अबीर आधे रास्ते में ही पेड़ की शाखा तोड़ देता है। जब निया को उसकी आवाज सुनाई देती है तो वो उधर देखने लगती है। तब उसे अबीर दिखाई देता है और वो जल्दी से अपने कपड़े ठीक कर लेती है। निया पूछती है, तुम कब आए? अबीर सही जवाब देता है, जब तुम बच्चों को उठा रही थी तब। निया अपने हाथ को सर पर रख लेती है। निया अपने काम में इतनी डूब गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने फिर खुद को एक्सपोज कर दिया। चलो छोड़ो, मॉडर्न दुनिया में भी जहां लोग अपनी एकांत को पसंद करते हैं, फिर भी मां अपने बच्चों को पब्लिक में ब्रेस्ट फीडिंग करती ही है। वैसे भी इन पशु मानवों की दुनिया में एक्सपोजर से इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। अबीर अंदर नहीं आता है, वो दरवाजे पर आकर बोलता है, मैं आसपास देख कर आता हूँ, अगर यहाँ कोई और गांव हो तो शायद वहां हमें कोई डॉक्टर मिल जाए। निया को पहले ही परेशानी की जड़ मिल गई थी, लेकिन डॉक्टर को दिखा लेना ही सुरक्षित होगा, इसीलिए वो उसकी बात मानकर अपना सर हिला देती है। निया बोलती है, ठीक है, लेकिन उड़कर ज्यादा दूर मत जाना, अगर कोई ना मिले तो कोई बात नहीं। अबीर उसको बीच में ही रोक देता है और बोलता है, हम इसे छोड़ कैसे सकते हैं? निया उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है और एक पल के लिए आश्चर्य में पड़ जाती है। फिर अबीर एकदम से अपनी आवाज धीरे कर लेता है, हो सकता है शायद मैं रात तक आऊं, फिर मैं तुम्हें सैंड पिट ले जाऊंगा ताकि तुम रिलीव हो सको, और मयूर को कह के जाऊंगा तो आकर तुम्हें देखता रहेगा। निया बोलती है, ठीक है। वो अभी भी अबीर से डरी हुई थी, वो अपना सर नीचे करके धीरे से उसे जवाब देती है। दो बोल सूप पीने के बाद ये सच था कि निया को वॉशरूम जाने का मन हो गया था। वो बच्चों को ब्लैंकेट के अंदर डालकर उठती है। वो अपनी पीठ सीधी करके, उसके पहले ही अबीर अपने लंबे हाथों से उसको कमर से उठा लेता है। अबीर निया को उठाकर उस घुमावदार सीढ़ियों पर तेजी से नहीं चढ़ पा रहा था, वो बंधा हुआ भी नहीं था। कल बहुत तेज बारिश हुई थी और जमीन अभी भी गीली थी। जब निया नंगे पैर चलती है
तो उसे भी थोड़ी ठंड लगती है। जन्म देने के बाद वॉशरूम जाना बड़ा दर्दनाक होता है। वहां से निकलने के बाद निया के शरीर पर पसीने की परत आ जाती है। अबीर उसके एक दिन का खाना तैयार कर देता है और फिर मयूर को बुलाता है। फिर वो अपने पंख फैलाता है और उड़ जाता है। शाम को अबीर यात्रा से थका हुआ वापस आ जाता है। निया को अभी भी दूध की परेशानी को ठीक करना था। फिर जब वो अबीर को आते हुए देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अबीर शिकार लेकर आता है और निया उसके पीछे देखती है। जब वो किसी अजनबी को नहीं देखती है तो उसका दिल बैठ जाता है। निया हिचकिचाते हुए बोलती है, वहां क्या हुआ, तुम्हें कोई मिला? निया को उससे उम्मीद थी। अबीर इंसान बन जाता है और उसके एक्सप्रेशन देखकर निया का दिल और भी दुखी हो जाता है। अबीर बोलता है, अभी तो मुझे कोई नहीं मिला है, यहाँ पर सभी पक्षी ही रहते हैं और वो सब लोग अंडे ही देते हैं। निया अपने सर पर हाथ रख लेती है। अभी तो तीनों कब्स ठीक लग रहे हैं, लेकिन फिर जब निया उन्हें ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत कमजोर हो गए। उनके रोने की आवाज जो पहले थी, अब वो इतनी तेज नहीं बची थी। अगर आज रात तक वो उन्हें दूध नहीं पिला पाई तो शायद वो लोग कल अपनी आंखें नहीं खोल पाएंगे। मयूर दरवाजे के पास खड़ा था। वो अचानक बोल पड़ता है, तुम लोग इन्हें चिलगोजे क्यों नहीं खिला देते हो? हम लोग उन्हें खिलाने से पहले उनका अच्छे से चूरा कर देंगे। निया अपना सर हिला देती है और फिर बोलती है, मैमल्स इतनी छोटी उम्र में ऐसा खाना नहीं पचा सकते हैं। वैसे भी तेंदुए नट्स नहीं खाते हैं। जिराज जो इतना बड़ा पशु मानव है, वो भी कभी पौधे या फल नहीं खाता है। फिर मयूर बोलता है, फिर हम क्या कर सकते हैं? एक बार कोशिश तो कर ही सकते हैं। मैं अभी जाकर नट्स छील कर लाता हूँ। ओह, हमारी मोर प्रजाति के बच्चे कीड़े खाना पसंद करते हैं। मैं जाकर पकड़ कर ले आता हूँ। निया साफ मना कर देती है, नहीं, वो अपने बच्चों को भूखा देख सकती है लेकिन उन्हें परेशान नहीं देख सकती है, वो मर जाएंगे। मयूर का उत्साह खत्म हो जाता है। निया को परेशान देखकर अबीर मयूर को बोलता है, मैं आ गया हूँ, अब तुम जा सकते हो। मयूर भी हिचकिचाता है। फिर जब वो देखता है कि उसे कोई मदद नहीं कर पा रहा है तो फिर वो चिंतित होकर वहां से निकल जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और कीड़े ढूंढने लगता है। एक इंसान के वहां से निकल जाने पर लकड़ी के घर में थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है। बस निया की कमजोर सांसों की आवाज आ रही थी, उन कब्ज और अबीर की सांसों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। क्या उसे अबीर की मदद लेनी चाहिए? दिन में तो उसके पास मौका भी था, लेकिन अब तो उसकी शक्ति खत्म हो ही गई थी। निया को अब कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वो अपने हाथों को मुट्ठी बनाती है और उसे जकड़ लेती है। सच कहूं तो मैंने एक जंगली तेंदुआ पकड़ा है, दोनों एक साथ ही बोलते हैं। अबीर के हाथ में जो तेंदुआ था वो गुस्से से दहाड़ता है, उसकी गर्दन नीचे लॉक हो जाती है। ऐसे में वो अपने हाथों से बालों को ही नोच सकता था। अबीर के हाथों पर कुछ घाव हो गए थे जिनमें से खून निकल रहा था, जो शायद फीमेल लेपर्ड की वजह से हो गए थे। रात में उजाला बहुत कम था, लेकिन फिर भी निया को दिखाई दे जाता है कि उस तेंदुए का पेट फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो एक फीमेल लेपर्ड है जो अभी अपने लैक्टेशन फेज में है। अबीर आकर पूछता है, पहले तुम क्या कहना चाह रही थी? निया तुरंत ही बोलती है, कुछ नहीं, ये तेंदुआ, क्या अबीर ने इसे नैनी बनाने के लिए पकड़ा है? अबीर उस फीमेल लेपर्ड को जमीन पर पटक देता है। फिर एक हाथ से वो उसकी गर्दन पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके आगे के दोनों पैर पकड़ता है। वो निया से बोलता है, बच्चों को लेकर आओ, मुझे उनके लिए दुख हो रहा है लेकिन उन्हें पहले दूध की जरूरत है। निया तुरंत ही मार्शमेलोस की तरह सो रहे बच्चों को लेकर आती है। निया का शरीर अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा था। फिर जब वो अबीर के पास आकर नीचे बैठ जाती है, अबीर बोलता है, नीचे ठंडा होगा। अबीर साइड में पड़ी हुई एनिमल स्किन देखता है, लेकिन अभी उसे लेने के लिए उसके हाथ फ्री नहीं थे। वो बोलता है, वो उधर एक एनिमल स्किन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तुम उस पर बैठ जाओ और बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ दो। निया बोलती है, आज माहौल इतना ठंडा नहीं है, कोई बात नहीं। वो कब्ज उठ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज बिल्लियों से भी ज्यादा धीमी थी। वो फीमेल लेपर्ड छूटने के लिए संघर्ष करती है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। फिर वो उनकी तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाने की कोशिश करती है। अबीर उसे टाइट पकड़ लेता है और वो हिल भी नहीं पाती है। निया ज्यादा समय बर्बाद नहीं करती और बच्चों को उस लेपर्ड के पेट के पास ले जाती है। उस समय तक वो लेपर्ड बोलने वाली थी कि ये उसके बच्चे नहीं है। फिर वो अपने आगे वाले पैरों से उन बच्चों को लात मारने की कोशिश करती है।
बिना सोचे ही निया अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने हाथ को आगे कर देती है। अचानक उसके हाथों में दर्द होता है और उसके हाथ पर 10 सेंटीमीटर लंबे 3 निशान बन जाते हैं। अबीर उस लेपर्ड को और भी ज्यादा जोर से पकड़ लेता है और चिल्लाता है, निया। निया दर्द से हाफने लगती है। फिर वो उसके आगे वाले पैर पकड़कर बोलती है, कोई बात नहीं, अभी बच्चों का पेट भरना ज्यादा जरूरी है। अबीर निया के हाथों की तरफ देखता है। उसको निया को ऐसी हालत में देखकर दर्द होने लगता है, लेकिन उसकी उस लेपर्ड को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। शायद वो बच्चे तेज थे, इसीलिए उनको दूध पीना सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, वो खुद ही पीना शुरू हो गए थे। उस फीमेल लेपर्ड ने भी अब सब किस्मत पर छोड़ दिया था और उसने हिलना भी बंद कर दिया था। वो जमीन पर लेट जाती है, जैसे उसकी जिंदगी में अब कुछ भी ना बचा है। ये देखकर अबीर और निया दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार अब उनके कब्ज के पास खाना था। फिर निया पूछती है, इस लेपर्ड के बच्चे कहाँ हैं? वो बोलता है, पेड़ के नीचे हैं। एक बार हमारे बच्चे दूध पी ले, उसके बाद मैं इसे भी वही बांध दूंगा। निया सर हिला देती है, फिर बोलती है, लेकिन इनका अच्छे से ध्यान रखना, विशेष करके इसके बच्चों का। अगर वो लोग मर गए तो ये दूध देना भी बंद कर देगी। अबीर को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो सहमति में अपना सर हिला देता है। लेपर्ड आराम से जमीन पर लेटी हुई थी और बच्चे दूध पी रहे थे। जब वो दूध को गले से उतार रहे थे तो वो उनके गले में साफ दिखाई दे रहा था। निया अपने चेस्ट पर हाथ रखती है, उसे उस फीमेल लेपर्ड से जलन हो रही थी। ये पहला दूध था जो उसके बच्चों ने अभी पिया। जब बहुत लंबे समय से उसके अंदर से दूध नहीं निकला तो शायद उसके अंदर वो बनना ही बंद हो गया था। अब उसे अपने ब्रेस्ट को भी ठीक करना पड़ेगा।